हेलो एवरीवन आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ के लिए दिस इज पार्ट सेकंड और सेकंड पार्ट की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी कैबिनेट अप्रूव्स न्यू क्लासिकल लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं कैबिनेट ने नई शास्त्रीय भाषाओं को मंजूरी दी कौन कौन सी नई लैंग्वेजेस इसमें ऐड ऑन की गई तो देखिए मराठी पाली प्राकृत असमिस एंड बंगाली mm -hmm. जो न्यू लैंग्वेजेस हैं वो क्लासिकल लैंग्वेजेस की श्रेणी में भारतीय कैबिनेट ने एक्सेप्ट की या फिर मैं कहूं उनको अप्रूवल दिया द टोटल नंबर ऑफ रिकोग्नाइज क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया इंक्रीज टू इलेवन तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हो गई हमारे पास इलेवन हो गई क्योंकि सिक्स क्लासिकल लैंग्वेजेस हमारे पास पहले से ही थी अगर हम इस फोटो में देखें या इमेज में देखें तो देखिए तमिल भाषा को सबसे पहले 2004 में क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया उसके बाद संस्कृत को दर्जा मिला 2005 में तेलुगु को दो 2008 में उसके साथ जो कन्नड़ लैंग्वेज है उसको भी 2008 में ही उसका दर्शा मिला मलयालम 2013 एंड भाषा को 2014 में उसमें शामिल किया गया था हो चुकी हैं ग्यारह अगर हम ये डिस्कस करें कि संविधान की आठवीं अनुसूची में, एट्थ में हैं, तो हमारा आंसर रहेगा ट्वेंटी बाईस भाषाएं हैं जिनको संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है चलिए अगली न्यूज पर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आएगी डायरेक्ट नोबल प्राइज से आप जानते हैं हमेशा हर वर्ष के नोबल प्राइज रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट और इस वर्ष के नोबल प्राइज क्योंकि दे दिए जा चुके हैं अनाउंस कर दिए गए हैं इसलिए हम उनको डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री दो का नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे किसे मिला डेविड बेकर फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एंड डेमिस हसबीज एंड जॉन एम जम्पर को फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रडिक्शन तो तीन व्यक्तियों को केमिस्ट्री का जो है नोबल प्राइज इस वर्ष का दिया गया नाम आपको याद रखने हैं डेविड बेकर हो गया डेमिस हो गया एंड जॉन एम जम्पर हो गया हमारे पास द अवार्ड ऑनर्ड रिसर्च दैट मेड कनेक्शन बिटवीन अमीनो एसिड सीक्वेंस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर इसके बाद अगर हम बात करें वही हमारे पास जिनको केमिस्ट्री में नोबल प्राइज मिला पिक्चर्स आपके सामने हैं डेविड बेकर डेमिस एंड जॉन एम जम्पर अगर हम बात करें फिजिक्स में किसे मिला तो देखिए फिजिक्स में दो व्यक्तियों को दिया गया जॉन जे होफिल्ड एंड जॉफ्री ए हिंटन इन दोनों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 2024 मिला और किस लिए फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स तो दो व्यक्ति हमारे सामने हैं जॉन जे होफिल्ड एंड जॉफ्री हिंटन जिन्हें नोबेल प्राइज टू फिजिक्स दिया गया इसके बाद अगर हम आगे देखें फिजियोलॉजी के लिए या फिर मैं कहूँ मेडिसिन के लिए तो अगेन दो व्यक्तियों को इसमें ये प्राइज से सम्मानित किया गया दो व्यक्ति कौन कौन है एक है हमारे पास विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोफकन जिन्हें ये नोबल प्राइज मेडिसिन के लिए दो वाले से सम्मानित किया गया दे डिस्कवर्ड माइक्रो आर अ न्यू क्लास ऑफ टाइनी आर एन मॉलिक्यूल्स दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन जीन रेगुलेशन द प्राइज कैरीज अ कैश अवार्ड ऑफ टेन मिलियन स्वीडिश कॉर्नर विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू नाइन लैक डॉलर्स एंड विल बी अवॉर्डेड ऑन डिसम्बर टेन उसके बाद देखिए लिटरेचर भी नोबेल प्राइज मिला है साउथ कोरिया की हैंकैंक को और ऑब्वियसली uh, वो ऑथर हैं इसीलिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फॉर हर इंटेंस पोइट्रिक प्रोज दैट कन्फर्न हिस्टोरिकल ड्रामाज एंड एक्सप्रेस एक्सपोज द फेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ तो कहाँ की पर्सन है ये साउथ कोरिया की हैंकैंक हैं जिनको सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज लिटरेचर दो हज़ार चौबीस के साथ आगे अगर हम चलें नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए रहेगी नागालैंड पार्टनर्स विद वेल्स फॉर ट्वेंटी फिफ्थ हॉर्नविल फेस्टिवल आप सभी जानते हैं बहुत प्रसिद्ध वेरी इजी क्वेश्चन नागालैंड का हॉर्नबिल त्यौहार वहाँ से संबंधित है और उसके लिए ट्वेंटी फिफ्थ नंबर का हॉर्नबिल त्यौहार वो मनाने जा रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कौन से देश को पार्टनर कंट्री बनाया है अपने साथ तो वो हो जाएगा वेल्स आइए न्यूज़ देखते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म नागालैंड इज ऑल सेट टू सेलिब्रेट द सिल्वर जुबली ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फ्रॉम December 1 to December 10th at the heritage village Kisama. वेल्स अगर हम वेल्स की बात करें वेल्स कहाँ पर कंट्री लोकेटेड है आप जानते हैं इट इज़ अ कंट्री इन यूनाइटेड किंगडम वहां पर हमें मेनली तीन चार कंट्रीज मिलती हैं जैसे स्कॉटलैंड इंग्लैंड वेल्स एंड सम पोर्शन ऑफ नदर आइलैंड आईलैंड ऑल्सो तो वेल्स वहीं की एक कंट्री है वेल्स इज इन साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जैसे कि मैंने कहा इट बॉर्डर्स इंग्लैंड ऑन द ईस्ट एंड ऑन द अदर थ्री साइड्स इट इज सराउंडेड बाय वाटर और ऐसा लैंड ऐसा भूमि का भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो उसे कहा जाता है पेनिनसुला फेस्टिवल वॉज फोर्ट स्टार्टेड इन टू थाउजेंड दो हजार में शुरू हुआ था अभी ट्वेंटी फिफ्थ नंबर का है इसीलिए उसकी सिल्वर जुबली वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कहाँ का त्योहार होगा नागालैंड का अगले न्यूज़ है हमारे पास सम अपॉइंटमेंट्स देखिए अजीत विनायक गुप्ते अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू तो जर्मनी जर्मनी के लिए भारत के न्यू एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया अजीत विनायक गुप्ते जी को ही इज़ करंटलीज हिज इज़ करंटली इंडियाज़ एन इन इजिप्ट वर्तमान में ये इजिप्ट में है और अगर हम जर्मनी की बहुत आसान सी बात करें तो वहाँ की कैपिटल हो जाएगी बर्लिन और वहाँ की जो करेंसी है वो हो जाएगी यूरो आगे अगर हम देखें संजीव कुमार सिंगला हैज बिन अपॉइंटेड एज इंडिया जर्मनी के साथ ही लगता हुआ पड़ोसी देश है और वहां के एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया संजीव कुमार सिंगला जी को अगर हम करंट रोल इनका बात करें तो करंटली इज इंडियन एम्बेसडर टू इजराइल वहां से इनको शिफ्ट किया जा रहा है टू फ्रांस अगेन फ्रांस की कैपिटल हो गई पेरिस और करेंसी तो उसकी भी सेम है यूरो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास शनाई मेस्ट्रियो टू तो रिसीव संगीत विद्वान अवार्ड शहनाई वादक को संगीत विद्वान पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा द कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट विल कॉन्फर द संगीत विद्वान अवार्ड ऑन शनाई मेस्ट्रियो पंडित बसवराज भजंत्री फ्रॉम हवेरी डिस्ट्रिक्ट तो कर्नाटका के ये शहनाई वादक हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज़ ऑफ रुपीज फाइव फ्लैक एंड अ साइटेशन नाम याद रखना है आपने और कहां से हैं तो कर्नाटका से हैं अगली न्यूज हमारे पास होगी मनीष तिवारी टू टेक ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेस्ले इंडिया मनीष तिवारी नेस्ले इंडिया के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त होंगे या फिर पद संभालेंगे इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट ऑफ अगस्त 2025, थाउजेंड एंड ट्वेंटी फाइव यानी कि अगले वर्ष से इनकी अपॉइंटमेंट होने वाली है बट ऑब्वियसली नेम पहले अनाउंस हो गया है आफ्टर द इनकम बेंट सुरेश नारायण रिटायर्स इन जुलाई नेक्स्ट ईयर तो यानी कि वर्तमान में नेस्ले के हेड हैं सुरेश नारायण वो नेक्स्ट ईयर जुलाई में होंगे रिटायर और फर्स्ट ऑफ अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव से मनीष संभालेंगे उनके पद को। अगली न्यूज देखिए नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास आ, इंडिया इंडियन जिमनास्ट दीपा करमारकर अनाउंसिस रिटायरमेंट भारतीय जिमनास्ट दीपा करमारकर ने सन्यास की घोषणा की एस जिमनास्ट दीपा करमारकर सिक्योर्ड डबल टाइम कर दिया मैंने हु सिक्योर्ड अ फोर्थ प्लेस इन वॉल्ट ऑफ 2016 रियो ओलंपिक्स रियो ओलंपिक्स 2016 में हुए थे उसमें उनको फोर्थ स्थान मिला था चौथे स्थान पर वो थी शी इज़ फर्स्ट इंडियन फीमेल जिमनास्ट टू कम्पीट इन द ओलंपिक्स एट रियो टू थाउजेंड एंड रिसेंटली वॉन गोल्ड एट द एशियन वुमेंस आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप टू बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू टॉप इन दिस कॉन्टिनेंटल मीट और शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ जिम्नास्टिक मेडल एट कॉमनवेल्थ गेम्स क्या जीता था उन्होंने कौन सा मेडल जीता था ब्रॉन्स मेडल जीता था दो हज़ार चौदह के ग्लास्को में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ पर और इसके अलावा रिसेंट क्या हो जाएगा एशियन वुमेन आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड जीता है विच इज़ बेस्ट और 2016 के रियो ओलंपिक्स में वो चौथे स्थान पर रही थी रिसेंटली 31 इयर्स ईयर्स की एज में उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा की फोटो में आपके सामने हैं जिमनास्ट दीपा करमार्कर अगली न्यूज़ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेज अगर हम डिस्कस कर डिस्कस करें सेवंथ ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे विश्व कपास दिवस कब सात अक्टूबर को द डब्ल्यू टी ओ होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड कॉटन डे ऑन सेवंथ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड एंड नाइनटीन मतलब काफ़ी रिसेंट है ऐसा नहीं है कि बहुत पहले से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हाल ही में इसकी सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हुई है रिकोगनाइज बाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन एंड थीम क्या है इसकी थीम है इस वर्ष की कॉटन फॉर गुड अगर हम कॉटन की बात करें कॉटन कौन सी सॉइल में बहुत अच्छी होती है ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छी होती है और इसको चाहिए होते हैं 180 डेज़ कैसे 180 डेज एकदम फ्रॉस्ट फ्री डेज ड्यू और फ्रॉस्ट दोनों में इस फसल के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो ड्यू और फ्रॉस्ट वाली एरियाज़ में उस सीज़न में ये नहीं उगाई जाती है वन एटी इसको एकदम सनी ब्राइट डेज चाहिए होते हैं और कॉटन आपकी कैसे क्रॉप हो जाएगी खरीफ क्रॉप हो जाएगी जो कौन सी सॉइल पर ब्लैक सॉइल पर बहुत अच्छी प्रोड्यूस होती है एक और दिन जो सात अक्टूबर को हम इस वर्ष मना रहे हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे जो है वो अक्टूबर मंथ के फर्स्ट और आ, मंडे को मनाया जाता है तो अक्टूबर मंथ का जो फर्स्ट मंडे है वो इस बार आ रहा है सेवन अक्टूबर को इसलिए सात अक्टूबर को हम मना रहे हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे डिजाइन बाय यूनाइटेड नेशन इन 1985 थीम क्या रहेगी एंगेजिंग यूथ टू क्रिएट अ बेटर अर्बन फ्यूचर द ग्लोबल ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड हैबिटेट डे हेल्ड इन मेक्सिको ऑन 7th ऑफ अक्टूबर 2024 नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास रहेगी यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह प्रेजेंट्स जीआई सर्टिफिकेट टू लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर पश्मीना भूल यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह हैंडेड ओवर द सर्टिफिकेट ऑफ जीआई टैग किसे उन्होंने दिया डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर बी डी मिश्रा जी को दिया यानी कि लद्दाख का जो पश्मीना शॉल है पश्मीना वूल है उसको जी टैग से सम्मानित किया गया पश्मीना वूल को aims to reach a target of 5 lakh pashmina goats and 1 million merino sheep in the UT by 2010-30 and the word pashmina is derived from Persian word pashm which means soft gold or soft wool तो so, आप जानते हैं कि लद्दाख के ये जो पशमीना वॉल से related products होते हैं obviously winter products होते हैं बहुत ज़्यादा famous होते हैं बहुत ज़्यादा ancient type के warm clothes हमें वहाँ से देखने को मिलते हैं जिसे दिया गया GI tag फोटो में अगर आप देख भी पा रहे हैं तो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी जो डॉक्टर बी मिश्रा को इस जी टैग से सम्मानित कर रहे हैं अगले न्यूज़ देखिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है राजकुमार हिरानी टू रिसीव किशोर कुमार सम्मान इन खंडवा राजकुमार हिरानी को खंडवा में किशोर कुमार सम्मान मिलेगा फेमस डायरेक्टर हैं डायरेक्टर राजकुमार हिरानी नोन फॉर सच एज मुन्ना भाई एम बी बी एस थ्री इडियट्स पी के होम टाउन ऑफ किशोर कुमार जी और किस में किस कैटेगरी में दिया जाता है इट इज गिवन इन द कैटेगरी ऑफ एक्टिंग स्क्रीन प्ले सॉन्ग राइटिंग या फिर डायरेक्शन इनको किस लिए मिल रहा है डायरेक्शन में कैश प्राइस ऑफ फाइव लाख रुपीज एंड अ प्लेक एंड अ शॉल विद अ कोकोनट राजकुमार हिरानी जी को कौन सा किशोर कुमार सम्मान अवार्ड अगली न्यूज़ देखिए नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास प्रकाश मानसिंह रॉत अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल नेपाल के चीफ जस्टिस बने हैं प्रकाश मानसिंह रॉत वहाँ के अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो के पी शर्मा ओली जी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो गए कैपिटल है काठमांडू और अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री स्थल अवरोधी देश ऐसे देश होते हैं जिनके चारों तरफ से उनको भूमि से ही घिरा हुआ हो कोई वाटर बाउंड्री जिसके साथ शेयर नहीं होती हो लोकेटेड बिटवीन इंडिया टू ईस्ट साउथ एंड वेस्ट एंड तिब्बत द ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना टू द नॉर्थ लाइंग अलॉन्ग द सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंजेस वहाँ के नए चीफ जस्टिस प्रकाश मान सिंह रॉत अगली न्यूज है आपके पास मुंबई क्लिंग 15th ईरानी कप टाइटल आफ्टर 27 सेवन ईयर्स वेट मुंबई ने 27 साल के इंतजार के बाद 15वां ईरानी कप खिताब जीता किसको बीट किया रेस्ट ऑफ इंडिया मुंबई लास्ट ईरानी कप विक्ट्री केम ड्यूरिंग 1997-98 सीजन द डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट वॉज प्लेड एट एकाना क्रिकेट स्टेडियम इन लखनऊ आपने ज़रूर स्टेडियम का नाम भी सुना होगा बहुत सारे आई मैचेस भी स्टेडियम में प्ले किए जाते हैं तब काफ़ी न्यूज़ में आता है याद रखना है ईरानी फिफ्टीनथ ईरानी कप टू बी स्पेसिफिक कौन है विजेता मुंबई इसी के साथ ही एच गवर्नमेंट ने आप सभी के लिए तोहफा दे दिया है एच पुलिस की रिक्रूटमेंट्स आर आउट जिसके लिए हम स्पेशली फिफ्टींथ ऑफ अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं हमारा रिवीजन बैच 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और न्यू बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं पाँच नवंबर से पाँच नवंबर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मीडियम्स में हमारी तरफ से बैच रहेगा इसके साथ ग्राउंड ट्रेनिंग भी अवेलेबल है तो आप चाहें तो वो भी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं लाइब्रेरी फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल एंड मॉक टेस्ट सीरीज़ फैसिलिटीज़ भी अलग से अवेलेबल हैं जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर आपके सामने है और ए पी से सुविधाएँ प्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट न्यूज देखिए स्पोर्ट्स सेक्शन से हमारे पास रहेगी वेरी वेरी फेमस टेनिस प्लेयर कार्लोस अलक्रास डिफेट्स विन फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल देखिए अब ये दो नए नाम हैं जो टेनिस में बहुत फेमस है आपको 101 परसेंट याद होने चाहिए कार्लोस अल्क्रास एंड यानिक सिनर क्योंकि हर दूसरे मैच में यही इनमें से कोई एक पर्सन ही विजेता रहता है आइए न्यूज़ देखते हैं इन टेनिस स्पेन्स कार्लोस अल्क्रास बीट डिफेंडिंग चैम्पियन वर्ल्ड नंबर वन यानिक सिनर टू क्लेम हिज फर्स्ट चाइना ओपन टाइटल इटली के हैं यानिक सिनर वर्ल्ड नंबर वन चल रहे हैं और उनको हराकर चाइना ओपन 2024 जीता है स्पेन के कार्लोस अल्क्रास ने फोटो में आपके सामने कार्लोस सलक्रॉस एंड यानी सिनर अगली न्यूज अगेन विमेन्स की कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो यूएस की टेनिस स्टार जिनका नाम है कोको गॉफ़ कोको गॉफ ने जीता है और चाइना ओपन 2024 कैरोलिना को हरा कर आप देखते हैं आज की वीडियो से आपको कितने प्रश्न रहे याद च ऑफ द फॉलोइंग वन नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री अलॉन्ग साइड डेविड बेकर और यहाँ पर हमारा राइट right आंसर होगा सी और डी ऑप्शन दोनों इन दोनों ने डेविड बेकर के साथ जीता है नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न हैिजिक्स में नोबल प्राइज किसे मिला तो दिए गए ऑप्शन में से ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर जॉन जे होफिल्ड एंड जॉफ्री ए हेंटन को मिला है नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसके बाद अगर हम अगला प्रश्न देखें फ्रांस के के लिए इंडिया नेक्स्ट चुने गए हैं संजीव कुमार सिंगला अजय के लिए चुने गए जर्मनी के लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विद रिसेंटली रिटायर्ड प्लेयर दीपा करमारकर दीपा करमारकर कौन से खेल से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट जिमनास्टिक अगला प्रश्न है

नाम इसके बाद अगला प्रश्न हमारे लिए है व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड कॉटन डे 2024 और 2024 के वर्ल्ड कॉटन डे की थीम है कॉटन फॉर गुड कब मनाया जाता है वर्ल्ड कॉटन डे सेवेंथ ऑफ अक्टूबर कौन सी सॉइल में कॉटन अच्छी होती है ब्लैक सॉइल अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए रहेगा हु वॉन्ट चाइना ओपन टाइटल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर चाइना ओपन किताब दो हजार चौबीस किसने जीता जो भी होगा राइट आंसर आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे दिए गए ऑप्शन में से एंड दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें कीप स्माइलिंग कीप वॉचिंग